चलो गाइस 10 किलो हो चुके हैं, अब हम इसको भी लेंगे और इसको भी ले लिया। इतनी आसानी से हम जीत रहे हैं, इतनी आसानी से किल पे। अरे नहीं, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फायर एज गेमिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मेल बॉक्स के अंदर हमें मिल चुका है एक शॉट गन M1887 की स्किन, एक्यूरेसी प्लस है, रेंज प्लस है एंड उसी के साथ पूमा के साथ कोलैबोरेशन किया है फ्री फायर वालों ने। पूमा का एक एंजेलिक टाइप का पैंट आया है। यही बात खत्म नहीं होती, आगे देखो आप, पूमा का एक हुडी आया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बिजली बिजली कड़क रहा है, पीछे बड़ा सा पूमा का लोगो है एंड बवाल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कलर येलो में है एंड उसके बाद एंजेलिक पैंट वो भी व्हाइट कलर का। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे जिसका बेसब्री से इंतजार था, जो कि इंडियन सर्वर में नहीं आया था, वो अब इंडियन सर्वर के अंदर फ्री फायर के अंदर आ चुका है। फीमेल मेल दोनों का है, क्लेम करेंगे। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, ये वाओ, स्कार, वो भी बहुत ही खतरनाक, आर्मर पेनिट्रेशन डबल प्लस, रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस, बहुत ही खतरनाक स्किन है दिखने में भी, एनिमेशन भी, सबको करेंगे फटाफट से क्लेम। एंजेलिक पैंट के साथ करेंगे गेम प्ले, हुडी पहन के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। ये व्हाइट वाला चप्पल, अब हम सीधे चलते हैं सोलो वर्सेस फाइट के अंदर। ब्लॉक टावर में लैंडिंग तो कर रहा हूँ, पर लैंडिंग के साथ साथ एंडिंग भी बेटर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बंदूक अगर ना मिले तो एनिमीज मुझे खा जाएंगे, लेकिन हाँ बंदूक मिल चुका है और वो भी स्कार, नसीब हो तो ऐसा हो वरना ना हो। भाई लग जा यार, एक गोली तो लग जा यार, मैंने इसको इतना मारा, एक हेडशॉट भी मारा था, फिर भी ये खत्म क्यों नहीं हो रहा था, शक्ति लेके आ रहा है, खामा बन गया था ये। चलो गाइस, एक किल हमारे हो चुके हैं, नीचे हो रहा फाइट और फाइट का मजा हमसे अच्छा कौन ले सकता है, बात सही है, कौन ले सकता है। फायर एज गेमिंग की टिप्स एंड ट्रिक देख के आया हूं मैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड का ले ले भाई, सॉरी भाई, मार दे, काम कर, मुझे मारना भाई, घुमा फिरा के मारेंगे सालों तुम लोगों को ना। गाइस अगर आप लोगों को भी ऐसे सोलो वर्सेस स्क्वाड का किंग बनना, तो आप लोग फायर एज गेमिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हो, जिससे कि आपका भी गेम प्ले हो जाएगा ऐसा। अच्छा, तो के पैरों की आवाज आ रही है, क्या? ये रहा, सिर्फ पैरों की आवाज नहीं, बंदा पूरा का पूरा आ रहा है, वो भी जिंदा बंदा आ रहा है। अब देखो जिंदे बंदे को कैसे मारते हैं। तू कौन है भाई? मैं नहीं बताऊंगा, तू तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था, तू तो स्क्रिप्ट से बाहर था भाई, निकल यहाँ से जल्दी, पहली फुर्सत में खत्म हो जा भैया, खत्म हो जा। अब अपने दूसरे दोस्त को भेज दो यहाँ पे, क्योंकि मैं आज पूरा क्लॉक टावर के साथ साथ पूरा गेम खा। ले भाई, कहाँ से कूद रहा था तू, कहाँ जाना चाहते थे बताओ? अभी भी पैरों की आवाज आ रही, मतलब बंदे खत्म नहीं हो रहे, प्राण जाए पर बंदे खत्म ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साढ़े एक हेड लग जाता और खत्म हो जाते हैं, एक हेड बस। क्या वो कूदेगा, क्या वो मुझे मारने का मौका देगा अपने आप को? नहीं दोस्तों, वो ऊपर में ही, अभी भी उसके जीवन में डर है, सबसे टॉप में चढ़ गया, पता नहीं ऊपर क्या कर रहा है इसकी। ले भाई कूदा और बंदा खत्म, 115 के दो हेड, एनिमी का काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, 5 किल कर दिए, 36 बंदे अभी भी जिंदा। स्कार कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में बताना, एंड स्कार का अभी प्रॉपर यूज तो मैंने किया ही नहीं है, लॉन्ग रेंज में स्कार ज्यादा अच्छा चलेगा। वैसे एंजेलिक के साथ खेल रहा हूँ ना, लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो दूसरे सर्वर का बंदा इंडिया में आ गया, लेकिन नहीं दोस्तों, ये पैंट आने वाला है 10th अप्रैल को गेम के अंदर। आप लोग निकालोगे या नहीं मुझे कमेंट करके बताना, कैसा लगा आपको ये पैंट? वैसे ये पैंट हमें बहुत ही पहले देखने को मिल गया था, बट हमारे सर्वर में नहीं आ रहा था, आ चुका है और मुझे सबसे पहले ही मिल चुका है गेम में आने से पहले। तो ये बात, इसी बात पे एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। येलो, लग जा। उसने मुझे आमंत्रित किया है और अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे प्राण चले जाए मेरे, लेकिन ये लॉबी के अंदर जाना चाहिए। ले भाई जाओ, गाइस ये बंदा भी खत्म हो गया, 6 किल हो गए हमारे, आसपास और कोई बंदा है नहीं, हम बन चुके हैं क्लॉक टावर फैक्ट्री के किंग। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, पॉचिनॉक के साइड, लेट्स सी क्या होता। पहले अपने आप को हील करना जरूरी है, अगर आप अपने आप को हील नहीं करोगे तो आपको एनिमी आगे कभी हील करने का मौका भी नहीं। ले भाई, नहीं, रिवाइव दे देना, एक काम कर, रिवाइव दे दे। वैसे इसका डैमेज तो अच्छा दे रही है, ठीक ठाक दे रही है, 22-25 का। इसको किसने मार दिया? अरे नहीं भाई, ये मेरा किल है, तुम लोग नहीं ले सकते। इसको बोलते गए स्किल चोरी, लेकिन चोरी नहीं, ये मेरे किल था, मैंने इसको पहले देखा था, डैमेज भी दे रहा था, वो ऊपर वाला स्क्रिप्ट से बाहर का काम करके चला गया, तो ऐसा थोड़ी होता भाई, ऐसा थोड़ी होता। बात सही है, हम करेंगे इस कार को अपग्रेड लेवल 2 का, कब तक नहीं यार। ये देखो ले भाई, बंदा गाड़ी लेके कहां जा रहा है, मेरा नाम सुन के हो गया मैटर खत्म। किससे छुप रहा था भाई, किससे छुप रहा था बताओ? फायर इज गेमिंग से छुप रहा था,
फायरइस गेमिंग की नजरें चारों तरफ है, चारों दिशाओं में है, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगी भाई। वो ऊपर वाला बंदा भी तक आया या फिर नहीं मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन हमारे यहाँ पे 8 किल हो चुके, 36 बंदे अभी भी जिंदा, थोड़ी देर पहले भी 36। ले भाई कहाँ जा रहे हो, चलो चल के कंगारू की आत्मा आ गई तुम्हारे अंदर भाई। ये फ्री फायर है, जंपिंग रॉयल नहीं है जो तुम उछल उछल के बट आधी गोली का अंदर, आधी गोली का बस एक हेड और बंदा तो काम तमाम। देखा 49 का एक हेड और बंदा, अभी भी मारने की उम्मीद नहीं छोड़ रहा, कह रहा शायद गलती से एक हेड लग जाए तो मैं जिंदा हो जाऊँ। लेकिन गाइस आजकल सोनिया वैसा नहीं करता, सोनिया बस 3 सेकंड के लिए आपको जिंदा रखेगा, दोबारा जिंदा नहीं कर सकता सोनिया, सोनिया की शक्तियाँ खत्म हो चुकी है अब। ठीक है, बंदे बहुत सारे आसपास और मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हुआ। बहुत तकलीफ होती है गाइस, दिल से बुरा लगता है जब सामने एनिमी हो और आपको इंतजार करना पड़े कि वो निकलेगा और आप उसको मारोगे और वो निकलता ही नहीं है। ले भाई कहाँ जा रहे हो तुम, मेरे एरिया में, जिस एरिया का मैं किंग बेताज बादशाह बन चुका हूँ उस एरिया में आओगे तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। क्या मिला, कुछ मिला नहीं मिला। जी हाँ दोस्त, एक 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 और आ रहा है, इसको बचाने के लिए आ रहा। ले भाई बचा ले बचा ले, अब आके बचा ले। हाँ चलो गाइस 10 किलो हो चुके हैं, अब हम इसको भी लेंगे। हाँ क्या? और इसको भी ले लिया, इतनी आसानी से हम जीत रहे हैं, इतनी आसानी से किल पे। नो हट गई थी भाई मेरी 1 सेकंड के लिए, मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई थी भाई, मुझे डर लग गया था भाई, मेरी आत्मा कांप रही थी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? एक और बंदा, पैरों की आवाज, गोलियां, बारूद, बम, पता नहीं क्या क्या फेंक रही है ये लोग मुझे मारने के लिए। एक सोलो वर्सेस स्क्वाड वाले बंदे को मारने के लिए ये लोग इतनी सारी साजिशें कर रहे हैं, समझ रहे हो? मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला भाई, मैं तुम लोगों से नहीं डरने वाला। अथू हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। फैक्ट्री में तुम्हारे मौसी का घर है क्या? क्यों क्यों जाना चाहते हो तुम? इस कार का तो मैंने यूज ही नहीं किया भाई, सारे शॉर्ट रेंज के फाइट। देखो सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर सारी फाइट्स शॉर्ट रेंज की ही होती है, ठीक है, क्लोज रेंज में ही बंदे आते हैं, 1v4 मारना पड़ता है। चलो अब मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके लॉन्ग रेंज का फाइट करने का और आप लोगों को इस कार का गन स्किन टेस्ट करके दिखाने का, ठीक है। बाकी मैंने जितना चला के दिखा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके। इस कार का एनिमेशन बहुत अच्छा है, बाकी स्किन जैसी भी हो एनिमेशन बहुत अच्छा है। अच्छा जो वो आ रहा है ना बहुत बवाल है। ले ले ओके गाइस, इसको बोलते ना, देखो टेस्ट करके दिखा दिया आपको इस कार, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कि आप लोग नहीं चाहते 5 मिलियन हो, जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब वाले बटन को। मैंने जो इस कार से हेड मार दिया ना, मेरा तो जिंदगी तृप्त हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब गेम बुआ हो जाए बस। अब हम वेट करते हैं और बंदों का। देखो मैं डायरेक्ट घुस भी नहीं सकता क्योंकि 2 स्क्वाड है, 3 स्क्वाड पता नहीं कितना है, मैं अकेला बंदा, सबने मिल के अगर मुझे मार दिया ना तो गेम खत्म हो जाएगा, वीडियो भी नहीं बनेगा, फिर आप लोग बोलोगे कि भाई बुआ नहीं करता है, तू नूबड़ा है, तू बोट है। एक बंदा है जो तब से मुझे परेशान किया जा रहा है और पता नहीं इसको इसकी जिंदगी में क्या चाहिए, लेकिन मुझे बुआ चाहिए ये नहीं समझ रहा। जोन के अंदर है हम, जोन के अंदर, फिर भी इसको जिंदगी में शांति नहीं, गाड़ी लेके भागेगा कह रहा था। हो गया शांति, हो गया 69 का हेड खा के मरा ही है, 69 का, इसको शर्म आना चाहिए। चलो गाइस अब हम फटाफट गाड़ी लेके चलते हैं वरना हम बुआ नहीं कर पाएंगे और हमें शर्म आना चाहिए। फिर राइट चल रहा है आगे, ठीक है मजे ले लूँ क्या? ले लेते हैं। आधी गोली, आधी गोली का भाई, वो आधी गोली का छुएगा कोई और मर जाएगा, वो देख के मर जाएगा मुझे कुछ भी, लेकिन मैं जा नहीं सकता ना, मैं जा नहीं सकता। साले नेड कर रहा है, नेड कर रहा है, मेरे वॉल को तोड़ना चाहता है। ले भाई टूट गया मेरा वॉल, टूट गया ना, टूट गया ना भाई। बुला ले अपने टीममेट को, बुला ले भाई, आगे पीछे जहां से आएंगे सबको मारूंगा। क्या 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 क्या, सबको मारूंगा भाई। भाई ये बचाने तो जा रहा है, दोस्त हो तो ऐसे हो वरना ना हो, मेरे दोस्त साला कभी रिवाइव ही नहीं देते। क्या फायदा, क्या फायदा ऐसे दोस्तों का, जो रिवाइव देने आएंगे तो भी रिवाइव नहीं दे पाएंगे क्योंकि फायरइस गेमिंग है उनके सामने। पता है सामने कौन है वो भी तो देखना पड़ेगा ना दोस्तों। ये लगो सामने बंदा और ये डाउन, वेरी गुड साला, नॉक वाले पे भी हेड लग रहा है। क्या स्कार की स्किन दे दी यार फ्री फायर वाले तुम लोगों ने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। देखा 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 पैरों की आवाज, साले तू मेरा पीछा करेगा यार आज। लेकिन सबको हेड छोटा छोटा क्यों लग रहा है, किसी को 49 का, किसी को 69 का, क्यों भाई क्यों भाई? मैं बड़ा हेड नहीं मार सकता क्या? मेरी काबिलियत पे संदेह करते हो फ्री फायर वाले तुम लोग, छोटा छोटा हेड क्यों दे रहे हो? अंतिम वाले बंदे की तलाश में हम बिल्कुल लास्ट जोन में पहुंच चुके हैं और सामने ही बंदा है। अच्छा एक हेड लगता और खत्म हो जाता उसका मैटर, गेम हो जाता। बुआ गाइस हम बुआ कर पाएंगे या फिर ना, आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ। और क्या ही बताओ, कर लिया हमने गेम नहीं यार, अभी भी ये जिंदा होगा, अभी भी ये उम्मीद रखता है जिंदा होने की। गाइस फाइनली कर लिया हमने गेम को बुआ, आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। ये गन स्किन, ये एंजेलिक व्हाइट वाला पैंट,
बहुत ही खतरनाक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।